ये कटाई चौक है, कटाई कटरा प्रखंड का कटाई चौक, जहाँ ये कटाई मतलब यहाँ कटाई क्या कटाई होता बाबा? नाम पंचायत का कटाई है। अच्छा यहाँ नल जल का क्या स्थिति है सो बताइए। तो कटाई पंचायत से पूछिए, हम लोग जजवार। कौन पंचायत से? जजवार से। जजवार का पूर्वी पश्चिमी मध्य पश्चिमी पश्चिमी में नल जल का क्या स्थिति है? क्या नंबर वार्ड में घर है? हम लोग 8 वार्ड में है। पानी आ रहा है जी? आता है लेकिन लीक कर रहा है पानी रास्ते में। सब फूटल फाटल है। नल में आता है कि रास्ते में रह जाता है? नल में आता है लेकिन रास्ते में लीक है पानी रास्ता में बहुत ज्यादा। कारण क्या, मतलब घटिया पाइप लगा दिया क्या कारण? भगवान जाने, वो तो आप ही लोग समझिएगा घटिया है कि क्या है। तो आप जनता आप नहीं जानते हैं कि कैसा पानी कैसा लगा है। जी जी हाँ, अच्छा इधर है, इधर है। क्या बाबा आपका क्या नंबर वार्ड? हम यहाँ का नहीं है जी। कहाँ का है? हम कटरे का है लेकिन हमारे डुमरी सांडोली धोबोली पड़ता है। अच्छा देखिए, डुमरी सांडोली धोबोली वहाँ पानी आ रहा है आपका? ना वहाँ नहीं आता है, वहाँ पानी नहीं आता है ना सर। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम कटाई चौक पे मौजूद है और यहाँ जो है हमारे साथ करीब करीब कई पंचायत, क्योंकि जो ये बॉर्डर है यहाँ अभी हम कहें तो बॉर्डर कई पंचायत का बॉर्डर, चार पंचायत का बॉर्डर है ये। कटाई जजवार पश्चिमी और भोरहा पंचायत सामने। भाई साहब कहाँ, कौन पंचायत आपका, कौन सा पंचायत? कटाई पंचायत वार्ड नंबर 9 नंबर। आप किसी पद पे हैं या समाज सेवी हैं? कोई पद तो नहीं है। अच्छा आपके यहाँ नल जल का क्या है? तब तक खुल के बोलिएगा, नल जल का क्या स्थिति है? आप देख सकते हैं खुद। नहीं हम अभी ग्राउंड पे हैं, हालांकि हर जगह हर गली में घूमना संभव नहीं है, इसलिए जरा आप बता दीजिए क्या नंबर वार्ड आपका? 8 नंबर वार्ड में क्या स्थिति है? आप खुद जाकर देख लीजिए, वो बताने की जरूरत नहीं है आपको। धरातल लोग खुद हाँ वाले में या नहीं वाले में? चलने वाला में या नहीं वाले में? नहीं वाले में। देखिए नहीं वाले में ये जो है, हालांकि खुल के नहीं बोलना चाह रहे भाई साहब, नाम तो बताते जाइए, नाम तो बताते जाइए। स्थिति है कि जनरल जल माने चालू नहीं है, किसी का पानी नहीं जा रहा, नहीं आ रहा, नहीं या, कुछ पानी नहीं आ रहा है, रास्ते में फूटा हुआ है, कुछ नहीं है, पता नहीं फूटा हुआ है क्या हुआ है, कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ पता नहीं है। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौरध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से कि यहाँ कटाई पंचायत जजवार पश्चिमी और ये चूंकि 3 का बॉर्डर है, लेकिन इसके बाद यहाँ स्थिति जो है अभी तीनों पंचायत का अगर बात करें तो करीब करीब पानी 10-5% चल रहा है। क्या 1% भी नहीं चल रहा है? 1% नहीं चल रहा है कटाई में? 1% नहीं चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी कि जो जो पंचायत का जो जो वार्ड का पानी कंप्लीट नहीं होगा उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें तो यहाँ कई नंबर में घर है बाबा? वही तो 4 नंबर में है। 4 नंबर में आपका भी है? वही हाल है, वही हाल है। यकी हाल। क्या कहिएगा, अब क्या कहेगा हम? अपना मुखिया कैसा हो अभी बार? मुखिया वोट देने जाइएगा ना इस बार? क्या सोच के वोट कीजिएगा सो बताइए। आप सोचता क्या है कि वही वोट देगा? कैसा मुखिया होना चाहिए सो बताइए? अच्छा होना चाहिए, विकास कर रहा है देहात का भी घर द्वार का, उसका भी मुखिया चाहिए। पिछले बार जो आपने वोटिंग किया था जो मुखिया जी वादा किए थे पूरा वादा हुआ? पूरा वादा हो गया? हो गया। नल में पानी आ रहा है? नहीं। इंदिरावास मिला? इंदिरावास मिला है। मिला? नल में पानी नहीं आ रहा? नहीं। जितना वादा था सब पूरा हो गया? हाँ पूरा हो गया। पूरा हो गया क्या बाबा? नहीं अब 5 नंबर वार्ड का मैं सर आज तक देखवाई नहीं क्या कि कैसा अनजल हुआ। नल जल देखिए ये बाबा है, नल जल कैसा हुआ देखवे नहीं किए। हालांकि कई ऐसे वार्ड हैं जिनके वार्ड में नल तो लग गया लेकिन उस नल में अभी तक जल नहीं। क्या भाई साहब क्या स्थिति? कुछ भी स्थिति बहुत खराब है। आप कई नंबर पंचायत से? हम जजवार पश्चिमी 8 वार्ड। पश्चिमी वार्ड नंबर 8। क्या वहाँ भी क्या स्थिति नल जल? एकदम खराब स्थिति है, कोई स्थिति नहीं, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा गाड़ दिया है, कहीं नल जल कहीं पानी तानी कुछ नहीं आता है। मतलब देखिए वहाँ जो है दिखावे के लिए जो है लगा तो जरूर दिया गया, करोड़ों का योजना इसी प्रकार से ध्वस्त कि उसका कोई फायदा स्थानीय जनता को नहीं मिल रहा है। असर क्या जनता को फायदा मिल रहा है नल जल का? कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अच्छा नल में जो जल आता है वो कैसा आता है सो बताइए? गंदा आता है, जल नहीं आता कैसा आता है? देखिए ये स्थिति है यहाँ का। नल में हमने किया तो कई ऐसे पंचायत जहाँ जल आता है उसमें लोग पीने के लिए जिनके पास नल का व्यवस्था नहीं है वो भी जाते हैं, लेकिन जहाँ नल में जल ही नहीं आएगा तो क्या होगा? देखिए एक इधर नेताजी खड़े हैं, इधर आइए नेताजी। देखिए ये नेताजी कुछ नहीं बोलेंगे, हो सकता है वो चुनाव लड़ने के मूड में है। आप बोलने में आपको कौन बोलने में दिक्कत? क्या क्या स्थिति है? कै नंबर वार्ड है, कौन पंचायत सो बताइए? 3 नंबर वार्ड में है। कौन पंचायत?
पश्चिमी पंचायत जजुआर पश्चिमी 3 नंबर वार्ड। क्या नाम होगा सर आपका? फेकन सहनी। फेकन सहनी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सही बात बताइए कि आपके यहाँ कितना विकास हुआ है और नल जल का क्या स्थिति? अभी पूछ रहे हैं, पूरे बिहार को देख ही रहे हैं तो फिर पूछ क्या रहे हैं। देखिए ऐसा ही एक एक पंचायत एक एक आदमी मिलकर के पूरा देश बना हुआ है। आप अपना बताइए ना। कहीं भी नल जल का वो नहीं है, कहीं कहीं नल से पानी नहीं आता है। देखिए नल से पानी ही नहीं आ रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद भी कि जो जो मुखिया पंचायत में अपना नल जल कम्प्लीट नहीं किए हैं उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी क्या कहिएगा इसको? अब तो इतना आदेश के बाद भी वही स्थिति वही है, पूरे बिहार के ही स्थिति है। एक पंचायत क्या बात करते हैं? देखिए यहाँ जो है अभी हम जी जी हाँ क्या कदल हन होते में एक खून को कॉलो होते कॉलो न लगती लोग घरे घरे दे दीतन था कॉल एगो खन दे दीतन तो जय जय रहती पाबली। क्या नाम है बाबा आपका? जगन्नाथ था। क्या नंबर वार्ड नाम? कौन 3 नंबर? कौन पंचायत? कटाई पंचायत। कटाई पंचायत 3 नंबर वहाँ नल अभी भी हमारे नहीं है? नहीं लगा, नहीं लगा हुआ नल नहीं। कहे तो लगा दीजिए तो नहीं वहाँ नहीं ले जाएगा हम लोग कल पर, इसलिए आपने लगवाया ही नहीं? नहीं लेकिन ले गया तो नहीं कहा जाओ नहीं लगाइएगा तो जाओ, हम सब नहीं लगाए नहीं लगवाया। अच्छा जिनके यहाँ लगा उधर पानी आता है? उन्हें नहीं पानी है, पानी अभी नहीं कहीं नहीं है पानी। देखिए ये स्थिति है ग्राउंड का। इधर आइए बाबा, इधर आइए। देखिए ये बाबा जो है एकदम सही बात बोलेंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं किया पानी अभी नहीं, कभी कभी पानी अभी नहीं किया, आज तक की बात कर रहे हैं। जब लगा तब अब तक पानी पहुंचा ही नहीं। 4 नंबर वार्ड की बात? 4 नंबर वार्ड की बात कर रहे हैं। अभी हमने एक दो गो मुखिया जी से बात किया, कहा हमने तो सारा काम कंप्लीट करा दिया, एक दो गो बचा हुआ है, एक दो बचा हुआ है उसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे, इसके लिए क्या कहिएगा? अभी मुखिया जी 2-3 को मुखिया जी से हमारी बात हुई, कहे कि हमारे यहाँ जितना वादा किया हमने सब पूरा किया, एक दो जगह नल में गड़बड़ी है। अरे सब कुछ पूरा हो गया लेकिन और चीज बाकी है, नल जल जो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको तो ठीक करवाएंगे, उसको पानी चालू करवाएंगे। कौन किसके टोला में? मुखिया जी के टोला में तो अभी कभी पानी नहीं। मुखिया जी के टोला में पानी नहीं चालू हुआ? नहीं। कौन पंचायत का नंबर वार्ड? 2 नंबर। कटाई कटाई पंचायत का 2 नंबर वार्ड में मुखिया जी का घर है। हाँ। उनके अपने घर जिसमें है वहाँ भी नल जल चालू नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ। देखिए ये पोल खोल रहे हैं मुखिया जी का कि विकास कितना हुआ है, और अपने घर में जिनका जिस पंचायत में उनका घर है जिस वार्ड में घर है वहाँ का भी वही दृश्य है। बाबा क्या नाम है आपका? उपिंदर सहनी। उपिंदर सहनी जी ये पोल खोल रहे हैं मुखिया जी का क्या? और सबसे बड़ी बात है अब क्या कहिएगा सर, क्या स्थिति है आपके यहाँ का? हमारे यहाँ स्थिति यही है कि जल नल में कहीं पानी आया ही नहीं, न मुकम्मल हुआ कुछ भी नहीं। नल जल के नाम पे अभी करोड़ों रुपए की उगाही हुई है एक पंचायत में। आपका अगर वार्ड होगा मोटा मोटी 11 लाख 12 लाख रुपए का योजना होगा, 26 लाख का है, दुगो है, दुगो टंकी लगा हुआ है। हम लोगों को पानी नहीं आ रहा, लगा दिया नल वो भी। अच्छा, सरकारी योजना जो बना है उसका क्या हो गया? लूट हो गया? लूट हो गया, बिल्कुल लूट हो गया। ये सब हमारे मेंबर मुखिया जी सब यही लोग हैं जो लोग करवाने वाले। अच्छा इस बार वोटिंग आ रहा है, अब फिर नेताजी आएंगे, क्या कहिएगा? बस नल जल मुकम्मल हो वोट लीजिए, कोई यहाँ विकास नहीं है। अच्छा इस बार पिछले बार भी बहुत सारे मुखिया जी वादा किए होंगे, वार्ड साहब जिला परिषद साहब पंचायत समिति पंचायत सदस्य सब लोग वादा किए थे। हाँ। वोट दिया होगा अपने वादे पे? बिल्कुल दिया। इस बार फिर वादा करेंगे, क्या कहिएगा? इस बार वादा करता है जो इसे सोच समझ करके हम लोग वोट डालेंगे। सोच समझ कैसा मुखिया चुनना चाहेंगे इस बार आप? जो विकास करे। अच्छा पिछले बार जो चुने थे उसने वादा किया था कि नहीं किया? हाँ वादा किया था। कितना पूरा हुआ? कुछ भी नहीं, जो हो रहा है बस सब जानते हैं। यहाँ ठग दिया कि काम किया? सो बताइए। नहीं काम का हुआ, जल नल नहीं चालू हुआ, जो काम हुआ वो विकास का जल नल वो मुकम्मल नहीं है। वर्तमान स्थिति ये है कि नल जल योजना के नाम पे पैसे की उगाही जरूर कर ली गई लेकिन उसका फायदा स्थानीय जनता को फिलहाल कहीं से भी जितने से भी हमने बात किया किसी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या जी कई नंबर में घर है तुम्हारा? इधर आओ। देखिए तुमको ये रिक्शा कौन? सरकारी रिक्शा मिला हुआ है जी। क्या नाम है तुम्हारा? सुविधा सहनी। सुविधा सहनी। सुविधा सहनी, सरकारी योजना का लाभ तो मिलता हुआ दिख रहा है, नल जल का क्या स्थिति है? नल जल की बुरा स्थिति, खराब है। कई नंबर में घर है? कई नंबर? 8। 8 नंबर जी। पंचायत पश्चिमी। जजुआर पश्चिमी में घर है, नल जल का स्थिति क्या कहिएगा नेता के लिए? कुछ कहिएगा नेता जी के लिए? कहे कि वो जल नल चालू करे, वही हमको वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते? देगा ना उनको वोट भी। इस बार कैसा नेता चुनिएगा सो बताइए? जो अच्छा काम करेगा उसी के चुनेगा।
देखिए ये विकलांग है, इनको साइकिल जरूर मिला हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बार ये भी दुखी है कि नल जल नहीं चालू हुआ। नल जल तो दुखी है, चालू नहीं हुआ था, चालू नहीं हुआ नहीं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नल जल जो है एक ऐसा योजना है कि लोग शुद्ध पानी पिएगा, स्वस्थ रहेगा, बीमार कम पड़ेगा, है ना। लेकिन पानी तो तब पिएगा जब से पानी आएगा, पानी अभी नहीं करता है। नल लगा दिया उसके नाम पे योजना का पूरा उगाही कर लिया गया, लेकिन उस योजना के नाम पे जो फायदा होना चाहिए जनता को, सिर्फ और सिर्फ कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या कहिएगा इसे फायदा को, इस फायदा को सरकारी पैसा निकल गया 1 करोड़ रुपया एक पंचायत में, तो क्या कहेंगे। जो मन होगा वही वोट देंगे, जो मन होगा वैसा वोट देंगे। लेकिन वोट जो देंगे क्या सोच के देंगे, विकास सोच के देंगे, रोड सोच के देंगे, नल जल सोच के देंगे, विकास सोच के देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है लोगों की, अगर हम सही बात करें, लोगों की अगर यहाँ समस्या की बात करें, तो योजना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उगाही, क्या सर सिर्फ उगाही हुआ है, कोई फायदा स्थानीय जनता को नहीं। करोड़ों रुपए का बजट बनाया गया नल जल योजना का एक पंचायत के लिए, लेकिन उस पूरे पंचायत में एक वार्ड के लिए अगर कहें तो 11 से 12 लाख रुपए का योजना कम से कम है। लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है यहाँ का वो यही है कि यहाँ हमारे पास दो दो जगह का लोग, एक कटाई पंचायत का और एक जजुआर पश्चिमी, और कुछ तो मध्य वाले लोग भी हैं, जो यहाँ सब के सब, ऐसा कोई भी नहीं है ऐसा कोई मिला सर हमारे, हम अपने लाइव चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, आप खुद भी देखिए कि यहाँ जो भी लोग मिले हैं ऐसा कोनो नहीं है जो बोल रहा है कि हमारे पंचायत में पानी आ रहा है, हमारे नल में पानी आ रहा है, क्या सर है कोनो। पंचायत में कोई पंचायत में होते चालू तो हम जाकर कनी लाबत है कनी पीले जी कनी नल है कर देखे जाओ। कितना दूर में, कितना कै किलोमीटर के नहीं चालू है से कनी जाकर देख जाओ। परोड़ी मुखिया है, परोड़ी क्या मुखिया, उप मुखिया परोड़ी जी हैं। देखिए ये परोड़ी जी उप मुखिया है, हाँ क्या नाम है, प्रमोद जी नाम है, परोड़ी जी क्या है कहते अच्छा उर्फ नाम है उनका। देखिए फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ मौर्य ध्वज एक्सप्रेस के माध्यम से कि यहाँ जो दृश्य दिखा रहे हैं, और हम तीनों के बॉर्डर पे खड़े हैं, फिलहाल यहाँ जितने भी जनता मौजूद हैं किसी के पास भी जो नल जल जो लगा हुआ है किन्हीं के भी नल में अभी तक जल नहीं आता। आपके नल में जल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा सर जी, आइए नहीं रहा, नहीं सर जी। कई नंबर वार्ड में, 6 नंबर वार्ड में पूरा तैयारी हो गया, ठीक है, मतलब पाइप नहीं गया 6 घर में पाइप नहीं गया है, अभी तक में पाइप गया है, अभी पाइप नहीं गया हुआ है। ये है वार्ड के, थोड़ा सा इधर हो जाइए, थोड़ा इधर हो, चार वार्ड में मतलब वार्ड नंबर 4 कटाई पंचायत, थोड़ा सा इधर हो जाए, कटाई पंचायत 4 नंबर वार्ड है ना, उप मुखिया भी है, और उसके बाद भी वहाँ 4 को घर छोड़ दिया गया है। 6 घर फिलहाल ये तस्वीरें मौर्य ध्वज एक्सप्रेस के माध्यम से ग्राउंड की हकीकत हम दिखाने के लिए आए और दिखा रहे हैं, और ये सामने दिख रहा है कि क्या स्थिति वर्तमान का। वार्ड मेंबर साहब कौन है जी, आप वार्ड है? देखिए फिलहाल नीतीश सरकार से हमारा यही अनुरोध है, जो यार अभी क्या रहा है 7 निषेध 2 जो आ रहा है उसमें ना सबको हर एक को एक एक को एक एक कल दिया जाए। अच्छा नल जल से बढ़िया कल दे दिया जाए, लोग अपने अपने घर पे कल करवा के उसका देख रेख भी करेगा। और ये नल जो है इसमें चूंकि कहीं से जल आइए नहीं, लोग बहुत निराश है, उदास है। देखिए ये नौजवान है और ये भी जो सोच रहा है कि भाई साहब नल जल से कुछ न होने वाला, लूट लिया मुखिया और वार्ड, क्या इसका कहीं से कोई फायदा स्थानीय जनता को नहीं। अगर अगर ये 5,000 दिया जाता है जनता को तो शायद वार्ड में सबको कॉल मिल जाता, और कॉल मिल जाता तो सब पानी पीता, सब देखरेख भी करता, लेकिन नल जल का कोनो देखरेख करने वाला नहीं है। रोड पे पानी बह रहा है, नल से पानी आइए नहीं रहा, यही स्थिति है। वो जंग फूटल रोड पे पानी बह रहा है, कोई लाभ नहीं है, गरीब को कोई लाभ नहीं है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ग्राउंड पे कितना उसका लाभ बेनिफिट जनता को मिल रहा है, यह स्थानीय जो अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं इसको देखकर समझ सकते हैं।